उत्तम ब्रह्मचर्य। एक बार की बात है, दो मित्रों को आपस में मिले हुए बहुत समय बीत गया। एक मित्र ने सोचा, चलो अपने मित्र से मिलकर आता हूं। इसलिए वह अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते राह में एक वन दिखाई दिया। वन में एक पेड़ के नीचे दुबले पतले शरीर वाले कोई साधु ध्यान मग्न बैठे थे। वह मित्र भी वहां रुका। उसने साधु महाराज को देखा और देखते ही बोला, अरे मित्र, तुम यहां? मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा था, लेकिन तुम तो मुझे यहां ही मिल गए। साधु ने कहा, हे भव्य, वह वैभव आदि सबको छोड़कर मैं साधु बना हूं, आत्मा का साधक बना हूं। उसने पूछा, अरे मित्र, इतना सुंदर राज, सुंदर सुंदर स्त्रियां, बाग बगीचा आदि वैभव, उन सबको तुम किस प्रकार छोड़ सके? वे सब सुंदर पदार्थ तुम्हें कैसे आसार लगे? इस पर साधु ने कहा, सुनो मित्र, ये सब वस्तुएं सुंदर तो हैं, फिर भी ये सब सुंदर वस्तुएं जिसके सामने असुंदर भासित होने लगे, ऐसी दूसरी ही कोई परम सुंदर वस्तु के दर्शन मैंने अपने अंदर में किए हैं। तब उस मित्र ने पूछा, वह सुंदर वस्तु क्या है? साधु ने मित्र की पात्रता को देखते हुए कहा, हे मित्र, वह वस्तु है चैतन्य तत्व। अपना चैतन्य तत्व और उसके शांत रस का वेदन अद्भुत सुंदर है। ऐसी सुंदरता जगत में अन्यत्र कहीं नहीं है। उसकी सुंदरता में वीत रागता है और वीत रागता में परम आनंद है। अपने साधु मित्र के इन अनमोल वचनों को सुनकर वह गदगद होता हुआ बोला, अहो मित्र, तुमने ऐसे सरस सुंदर चैतन्य तत्व को बताकर मुझ पर परम उपकार किया है। मैं भी अपने चैतन्य तत्व को अंगीकार करता हूं और तुम्हारे साथ साधु दीक्षा ग्रहण करता हूं। निश्चय से ब्रह्म अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा में लीनता और व्यवहार से अभ्रम अर्थात काम सेवन का त्याग ही ब्रह्मचर्य धर्म है।